नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आधी रात को जब मिट्टी खनन की मिली सटीक सूचना तो प्रशासन ने इस पर तत्काल कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे खनन अधिकारी सीओ व उप जिलाधिकारी की कार्रवाई से खनन माफियाओं का छोटा पसीना। पुलिस प्रशासन एवं खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से खनन माफिया के वाहनों पर हुई कार्रवाई से खनन माफियाओं के हौसले पस्त दिखे। रात के अंधेरे में होता है अवैध मिट्टी खनन का बड़ा कारोबार। खनन माफिया मिट्टी को अच्छे दामों में बेचने का करते हैं काम। खनन माफिया राजस्व विभाग को प्रतिदिन लगाते हैं लाखों रुपए का चूना। उक्त सभी सात वाहन किए गए से तहसील शाहबाद क्षेत्र में कई जगह अवैध मिट्टी का खनन होता रहता है, जिसके आए दिन समाचार पत्रों में खबरों का भी प्रकाशन होता रहता है। वहीं कोतवाली शाहबाद के आंजी चौकी के नोरोजपुर एवं रेभा मुरादपुर के पास हो रहा अवैध खनन और धड़ल्ले से मिट्टी बेची जा रही। अवैध मिट्टी बेचने से राजस्व विभाग को मिट्टी माफिया लाखों रुपए का प्रतिदिन लगा रहे थे चूना, जिस पर स्थानीय शासन प्रशासन काफी समय से खनन माफिया की तलाश में था। वहीं 19 अक्टूबर 2023 की रात स्थानीय जागरूक व्यक्तियों द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं खनन विभाग को सूचित किया गया कि नवरोजपुर के पास खनन माफिया के द्वारा जेसीबी व लगभग एक दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ खनन चालू है, जिस पर अवैध खनन को उप जिलाधिकारी शाहबाद एवं सीओ शाहबाद हेमंत उपाध्याय एवं खनन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एक जेसीबी सहित 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बरामद कर कोतवाली शाहबाद लाकर सीज किया गया। इस कार्रवाई में से खनन माफियाओं के छोटे पसीने रात में छुड़वाने का काफी समय तक चलता रहा खेल, लेकिन प्रशासन ने की कार्रवाई। इस संबंध में पत्रकार द्वारा खनन अधिकारी अजीत सिंह द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध खनन नीरज मिश्रा के द्वारा करवाया जा रहा था और 2 चालकों को भी हिरासत में लिया गया, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक व एक जेसीबी चालक शामिल है। और बताया जो भी खनन विभाग के अधिकारी क्षेत्र में आता है वह सारी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी और पत्रावली जिलाधिकारी के पास भेजी जाएगी, जिसमें जुर्माने का प्रावधान है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।